नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आ पहुँचे हैं हम रणथंभौर दुर्ग। और कितना सुंदर नज़ारा है, धीमे धीमे बारिश हो रही है, झरना बहता हुआ। जब पिछली बार हम यहाँ पर आए थे, हम आए थे मार्च महीने में, तब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा पानी था। और जैसा कि बताया था पिछली वीडियो में, अगर इस जगह की खूबसूरती देखनी है तो बरसात के सीज़न में आइए यहाँ पर। कैसे झरना बहता हुआ शोर करते हुए, ये देखिए आगे। जब सवाई माधोपुर की तरफ से आते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये प्रथम द्वार आता है दुर्ग का, और इसके साथ में ही ये एक कुंड है, हमीर कुंड, जो यहाँ के महान प्रतापी राजा हुए हमीर देव, उनके नाम पर इस कुंड का नामकरण किया गया है, नाम रखा है। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ये इस तरफ दुर्ग का प्रथम द्वार जिसका नाम है मिस्र धारा टोल, और इस तरफ ये बहुत ही सुंदर झरना इस तरह से। यहाँ पर एक चेतावनी का साइन बोर्ड लगा हुआ है कि इस जो ये कुंड है इसमें स्नान ना करें, क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ का खतरा आपको हो सकता है। और ये मिस्र धारा पोल प्रथम द्वार, यहाँ पर जगह जगह आपको प्राकृतिक झरने मिल जाएंगे अगर आप बरसात के मौसम में आते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं, अभी मिस्र धारा पोल से कुछ दूर चलते ही हमें बहुत ही सुंदर झरना यहाँ पर दिखाई दिया है। और आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति के सुंदरता। और यहाँ पर आपको जगह जगह चेतावनी, पानी में न नहाए, मगरमच्छ हो सकता है। आगे चलते हैं, कुछ दूर आगे आने पर यहाँ पर एक खंडित भवन नुमा ढांचा दिखाई पड़ता है, और दूर से देखने पर यह एक पानी संचय करने का कुआं अथवा बावड़ी का निर्माण प्रतीत होता है। पास जाकर देखते हैं, ये देखिए क्या संचय किया हुआ है, और ये 100% पानी संचय करने का ही स्थान रहा था, और ये तल बनाए गए हैं पानी को निकालने के लिए।
अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए। और ये इस ऊपर इसका शिखर है, तो हम देख सकते हैं जहाँ पर इसके नीचे से भी एक रास्ता यहाँ से जाता है और ऊपर ये देखिए जो वहाँ पर बनाया गया है खड़े होने के लिए बालकनी की तरह से, उसमें एक होल है जैसे वहाँ पर कोई रहट या खंबा या पानी खींचने के लिए जो हम चक्र लगाते हैं पुली सिस्टम। और जो ये यहाँ पर द्वार है कि अगर पानी का स्तर अधिक हो जाए तो वो यहाँ से होता हुआ और उस तरफ जो घाटी है उसमें चला जाए। इस तरफ और हम इस तरफ से अभी आए हैं मिस्टर धारा पोल से। और ये ऊपर दुर्ग की प्राचीर दिखाई देती हुई, आगे चलते हैं।